चीज़ हुआ और हम लोग फिर से एक बार इसका पूरी तरीके से नहीं देख पाए अंदर से किले को। खैर कोई बात नहीं, इसके इतिहास का पूरा डिटेल आपको हमारे जो टाइम ट्रैवलर वाले कहानी का जो जो है चैनल है उसका लिंक मैं इसके जो है इस ब्लॉग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से ज़रूर उसकी कहानी देखिएगा पूरी। तो एक बार देखिएगा ज़रूर उसको, जब आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें इसकी डिटेल जो है इतिहास की वो चीज़ें समझ में आपको ज़्यादा बेहतर आएंगी। और अभी इनके जो प्राचीन राजधानी थी वहाँ भी चल के दिखा रहा हूँ, तो एक बार चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये है आपका आगे कटंगी दमोह रोड है, हम लोग आगे चल रहे हैं, कटंगी तक जाएंगे और कटंगी से दोस्तों फिर थोड़ा सा आगे सिंगौरगढ़ है और सिंगौरगढ़ ले चलते हैं आपको। चलिए चलते हैं आगे दिखाते हैं और आपको। दोस्तों हम लोग अब पहुंच गए हैं कटंगी और कटंगी मार्केट में हैं। दोस्तों कटंगी में यहाँ का गुलाब जामुन बहुत फेमस है और एक बार पहले मैं खा चुका हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ का गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है, जब आइए तो एक बार यहाँ का गुलाब जामुन जरूर टेस्ट कीजिए। और अब कटंगी से हम लोग यहाँ से जाएंगे सिंग्रामपुर, तो सिंग्रामपुर अब जानकारी यहाँ से पूरा करते हैं। भैया सिंग्रामपुर, सिंग्रामपुर कितना दूर है यहाँ से? सिंग्रामपुर इसी रोड से आगे जाना है। अच्छा अच्छा और वहाँ से किले पे जाने के लिए, वहाँ से किले पे जाने कितना कितना जाना पड़ता है? लगभग मोटरसाइकिल से कितनी दूर जा सकते हैं? मोटरसाइकिल से जा सकते हैं वहाँ से? ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ का फेमस रसगुल्ला, काफ़ी बड़े साइज का है और थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। कभी आइए अगर यहाँ घूमने तो यहाँ के रसगुल्ले ज़रूर टेस्ट कीजिए। लाजवाब दोस्तों, एक नंबर का। चलिए पानी पीते हैं आप और पानी पी के आगे निकलते हैं सिंग्रामपुर। सिंग्रामपुर से फिर कट के जो है सिंगौरगढ़ किला पहुंचते हैं और आपको वहां सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो रसगुल्ले के लिए कभी आप आइए तो देखिए शुद्ध देसी घी का रसगुल्ला यहां लिखा है और टेस्ट कीजिए कभी। और कभी आइए घूमने, कटंगी घूमिए, जबलपुर घूमिए, सिंगौरगढ़ किला घूमिए, एक ऐतिहासिक स्थल है। तो गाइस ये देखिए ये रोड आ रही है जबलपुर से और ये जा रही है दमोह, और दमोह और उधर आपके बांदा पन्ना सब वहाँ जाएगी, उधर सब जहाँ तक आप जा सकते हैं जाएगी। और ये यहीं से लेफ्ट हैंड कट रहा है जो सिंगौरगढ़ किले के लिए रास्ता गया है। ये अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये जगह है सिंग्रामपुर और ये जगह तकरीबन कटंगी से 8 किलोमीटर आगे जब आप आएँगे दमोह की तरफ तब पड़ेगा। और यहीं से आपको इधर टर्न हो रहा है, इधर टर्न होना है बीच से। दोस्तों देखिए सिंग्रामपुर से थोड़ा सा आगे आए थे और यहाँ पे बोर्ड मिला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक सिंगौरगढ़ दुर्ग 4 किलोमीटर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल संस्कृति मंत्रालय। और यहाँ जो ये रोड जा रही है गाइस ये कच्ची सड़क है, इधर आपको पक्की रोड या उससे RCC का कुछ नहीं है, एकदम कच्ची रोड है गाँव वाली। चलते हैं देखते हैं। तो ये देखिए हम लोग मेन रोड से अंदर आए हैं जंगलों की तरफ और 4 किलोमीटर अंदर है सिंगौरगढ़ का किला, 2 किलोमीटर आ चुके हैं, 2 किलोमीटर और है सिंगौरगढ़ का मेन एंट्रेंस, वहाँ से फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा हम लोग बाइक खड़ी करके। और पुराने राजे महाराजों के जो गढ़ होते थे, किले होते थे, वो ऐसे ही सुरक्षित जगहों पे बनाए जाते थे गाइस। और चलिए आइए चलते हैं देखते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं और आपको भी सारी जानकारी से अवगत कराते हैं।
दोस्तों तो देखिए हम लोग आ गए हैं ये सिंगौरगढ़ दुर्ग, सिंगौरगढ़ किला, और ये इसका एंट्रेंस है, मुख्य एंट्रेंस। ये मेन रास्ता था, जंगल से अंदर अंदर आया पहाड़ियों के बीच में, और ये ही यहाँ से है इसका मुख्य एंट्रेंस। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार सिंगौरगढ़ किले का, सिंगौरगढ़ दुर्ग का, यहाँ से है। और मेन जो प्राचीन एंट्रेंस है मुझे लगता है सामने की तरफ से होगा। ये आगे दिखाते हैं आप। गुप्ता जी देखिए, गुप्ता जी भी हमारे सोच रहे हैं यार कितना ऊंचा है, हाँ जी कितना परेशान करेगा है। आइए आइए चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए सिंगौरगढ़ दुर्ग, और इसकी चढ़ाई दोस्तों बड़ी खड़ी चढ़ाई है। क्या होगा, चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं एक बार सब। ये पुराने जमाने के पत्थरों के दरवाजे, और अंदर इसके सब देखिए प्राचीन। देखिए गाइस, ये प्राचीन द्वार इसका यही रहा होगा, क्योंकि इधर से भी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं कहीं से, तो एक समय की सुरक्षा दीवार, एक समय की सुरक्षा दीवार है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये सामने से आप जो देख रहे हैं दिख रहा होगा आपको, और ये प्राचीन द्वार यही होगा इसका, क्योंकि यहीं से आके ही, ये देखिए ये प्राचीन गेट ये यहाँ से बना हुआ है, और ये देखिए कारीगरी नक्काशी सब पुराने ज़माने की, आप ये गौर से देखिएगा। ये जी ये पत्थरों के चौखट इतने मोटे और इतने विशाल, ये देखिए कितनी बारीक नक्काशियाँ और कारीगरी। तो प्राचीन दरवाज़ा यही होगा गाइस, और मुझे लगता है तो नया भी, ये देखिए दरवाज़ा इसी में, ये देखिए इसमें किनारे किनारे जो छेद बने हैं इन्हीं में लकड़ी के दरवाजे सेट किए जाते थे। हाँ ये चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों सिंगौरगढ़ जब भी आइए तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो पानी का बोतल अपने साथ लेके आइए, क्योंकि यह है जंगल, प्योर जंगल जिसको बोलते हैं। देखिए गुप्ता जी का अभी चेहरा सूख गया इतनी देर में, हम लोग अभी आए कितना है ये नीचे से इतना चढ़ के, लेकिन दोस्तों बस ये समझ लीजिए कि हिम्मत बना रहे हैं। राजे महाराजों के अंदर क्या यार कितनी ताकत थी भाई, कैसी जगह सर बनाते थे ऐसे किले यार, दरबार के लोग कैसे कितने मजबूत थे जो इतना आराम से आते जाते थे ऐसी जगह पे भाई, वाह रे वाह। आइए चलिए गाइस, ये देखिए सामने दीवार दिख रही है किले की, और मेरे ख्याल से बहुत दूर तो नहीं है लेकिन जितना भी है काफ़ी डेंजरस। तो देखिए गाइस सामने भी कुछ बना हुआ है, ये भी पुराने ज़माने का ही लग रहा है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए है ना, आइए बने रहिए चलिए, और बढ़िया आपको किला घुमाते हैं हमारी वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का किला दिखाते हैं, जहाँ वो शादी होके ब्याह के आई थी, वो शादी होके ब्याह के आई थी कालिंजर से, कालिंजर जो कि बांदा में है उत्तर प्रदेश आजकल। हाँ उस समय ये गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी थी, और वो चंदेलों की राजधानी थी, तो चंदेलों के जो राजा थे उनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती, और उनका विवाह हुआ था 1546 या 1500 कुछ ऐसे है, वो आप जब हमारे हिस्ट्री वाले चैनल में जाएंगे तो आपको गाइस वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी।